स्वर्ण की परख के लिए पहले उसे कसौटी के पत्थर पर घिसा जाता है, अग्नि में तपाया जाता है, पीटा जाता है और फिर जल से शुद्ध किया जाता है। जो इन मापदंडों पर खरा उतरे वही स्वर्ण, जो ना उतरे वो तांबा। इसी प्रकार सज्जन और दुर्जन व्यक्ति को परखने के भी कुछ मापदंड होते हैं जिन्हें जानना आवश्यक है। क्रोध सज्जन को भी आ सकता है, परंतु दुर्जन के विपरीत सज्जन का क्रोध सदैव अत्याचार के विरुद्ध ही होता है। अपने से ऊंचे पद वाले के सामने तो दुर्जन भी नतमस्तक होता है, परंतु सज्जन वही जो अपने से नीचे कार्य करने वालों को भी आदर की दृष्टि से देखे। इसलिए स्वर्ण लेना हो या सज्जन का संग, इन मापदंडों पर परखने के पश्चात ही कोई निर्णय ले।